इस हफ्ते में रिलीज किया जाएगा एक विलेन रिटल फिल्म का ट्रेलर। दोस्तों, 8 साल पहले 2014 में रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म एक विलेन सफल फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की स्टोरी तो ठीक थी, पर इस फिल्म के गाने ने फिल्म का अलग ही बज बनाया था। 100 करोड़ के क्लब में शामिल इस फिल्म के सीक्वल का फैंस को काफी लंबे सालों से इंतजार था, जो अब खत्म होने ही वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्शन थ्रिलर बेस्ड एक विलन 2, इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और इस फिल्म का प्रमोशनल वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर से जुड़ी एक बड़ी न्यूज हम आपके लिए लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2-4 नहीं बल्कि 8 साल बाद रिलीज हो रही इस फिल्म का सीक्वल लोगों के बीच आने को पूरी तरह से तैयार है। फैंस को अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार और करना होगा, क्योंकि जुलाई में आ रही इस फिल्म के ट्रेलर को इसी वीक में यानी कि कुछ ही दिनों में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया और दिशा पटानी जैसे स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं और इस फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया है और इस फिल्म को भूषण कुमार और एकता कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये मूवी 29 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि एक विलन 2 फिल्म में सबसे पहले आदित्य रॉय कपूर को लिया जाना था, पर डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव मतभेद के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो उनकी जगह पर अर्जुन कपूर को लिया गया। अब ये स्टेप फिल्म के लिए सही है या नहीं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करें वर्क फ्रंट की, तो जॉन अब्राहम इस फिल्म के अलावा शाहरुख खान की बहुचर्चित फिल्म पठान में एज अ विलन के किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं अर्जुन कपूर काफी सालों बाद फिल्म में काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी लव लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में फैंस के बीच रहते ही हैं। दिशा पटानी की बात करें तो वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में एक गाने में नजर आ चुकी हैं और फिल्म की बात करें तो वो आदित्य रॉय कपूर के साथ फिल्म मलंग में दिखाई दी थी।